अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। नहीं नरेंद्र, कई दिनों से मुझे तुम दोनों पे शक था और यही मालूम करने के लिए मैंने दिल्ली जाने का बहाना किया कि तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं। मैं जलील औरत से शादी करना चाहता था, ये मेरी बेवकूफी थी, अंधापन था मेरा, लेकिन तू तो मेरा भाई है। भाई सब प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मैं हूँ कि तुझ जैसे कमीने को जो भूखों मर रहा था फुटपाथ पे था उठाकर घर ले आया। अगर तेरी जगह मैं किसी कुत्ते को ले आता तो शायद उसमें कुछ वफादारी होता। दोस्तों, आज जिस मशहूर हीरो की मैं बात कर रही हूँ उनकी आवाज बहुत दमदार थी और बोलने का अंदाज उससे भी ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने अपने दौर की सब बड़ी बड़ी टॉप मोस्ट हीरोइंस के साथ काम किया, जैसे नरगिस, सुरैया, मीना कुमारी, मधुबाला, नलिनी जयवंत, कामिनी कौशल, श्यामा और शकीला, और वो थे अपने वक्त के मशहूर हीरो रहमान। वो तुम्हारा भजन नहीं, मस्ती में डूबा हुआ गाना, जैसे चुन्नी दासी गाती है। गा सकोगी? नाच सकोगी मेरे सामने? शराब पी सकोगी मेरे साथ? शराब? हाँ शराब, बोलो, सारी रात शराब पियोगी मेरे साथ? नशे की मस्ती में झूम सकोगी मेरे सामने? रहमान साहब ने कई फिल्मों में बहसियत हीरो काम किया, लेकिन वो टॉप मोस्ट हीरो नहीं बन पाए, इसलिए वो विलन बन गए, और जब विलन बन गए तो किस्मत का सितारा चमक गया। में पैदा हुए थे रहमान लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है। उनका असली और पूरा नाम था रहमान खान, और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि वो अफगानिस्तान के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, रॉयल फैमिली के थे, रॉयल फैमिली के। वो पैदा तो हुए थे लाहौर में, लेकिन अपनी एजुकेशन कंप्लीट की जबलपुर में, और फिर अपने माँ बाप की खुशी की खातिर उन्होंने ट्रेनिंग ली और एयरफोर्स में पायलट बन गए। लेकिन वो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे, इसलिए बहुत जल्दी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो तो हीरो बनना चाहते थे। ओ कली अनार की ना इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ऊंचे गुलाब के ना बतिया बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। हीरो बनने की ख्वाहिश उन्हें पूना ले आई, और पूना के प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त और देवानंद के साथ। गुरुदत्त डांस डायरेक्टर थे और देवानंद हीरो बनना चाहते थे। फिर क्या था, रहमान भी देवानंद के साथ हो लिए जुड़ गए, और दोनों ने मुलाकात की मशहूर डायरेक्टर पीएल संतोषी से। संतोषी साहब को दोनों बहुत अच्छे लगे और दोनों को उन्होंने एक साथ साइन कर लिया एक ही फिल्म में 1946 में, और उस फिल्म का नाम था हम एक हैं। शंकर, ये क्या, जो कुछ होता है ठीक ही होता है यूसुफ। आज जॉन ने अपना रंग दिखा दिया, हो सकता है कल मैं भी बहक जाऊं, परसों तुम्हारी भी नजर फिर जाए, इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी मनहूस घड़ी आने से पहले हम अपने अपने अधिकार समझ लें। अधिकार क्या मतलब है तुम्हारा? गुरुदत्त और देवानंद के साथ रहमान की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि फिल्म चाहे गुरुदत्त की हो या देवानंद की, उसमें रहमान जरूर होते थे। चलो एक ही बात है, मैं आ गया तो कोई बेइज्जती हो गई या शान घट गई। तुम भी नहीं सोए, क्या कर रहे थे? हिसाब काहे का? आपके एहसानों का, जो आज रुपया, मकान और इज्जत की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। रहमान साहब को इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो गया कि बहसियत हीरो उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने करेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिए। वो कहते थे कि मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ थी कि हीरोइन की शादी तो मेरे साथ हो जाती थी, लेकिन वो मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी,
हीरो से। हम वो परवाने हैं जो शम्मा कदम भरते हैं, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं। 1946 में मशहूर डायरेक्टर डी कश्यप एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म का नाम था नरगिस और हीरोइन भी नरगिस थी और हीरो थे रहमान। उस फिल्म में मैं बहुत छोटी सी थी लेकिन मेरा रोल बहुत बड़ा और बहुत अच्छा था। रहमान साहब मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे उनसे बहुत डर लगता था और इसकी वजह ये थी कि हमेशा उनके साथ उनका एक छोटा सा काला कुत्ता रहता था लेकिन उसके कान बहुत लंबे लंबे थे और मैं बहुत डरती थी, इसलिए मैं हमेशा उन्हें हाय और बाय हमेशा दूर से करती थी। रहमान ने सुरैया के साथ कई फिल्मों में काम किया, उनमें से एक फिल्म का नाम था बड़ी बहन और वो सुपरहिट फिल्म थी। रहमान सुरैया से बेपनाह मोहब्बत करते थे लेकिन सुरैया देवानंद से मोहब्बत करती थी, इसलिए शादी नहीं हो सकी। मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए, कोई ना आए, ये एक दिन हंसाए तो सौ दिन रुलाए, सौ दिन रुलाए, ये एक दिन हंसाए तो सौ दिन रुलाए, सौ दिन रुलाए। रहमान साहब अपनी मोहब्बत में नाकाम हो गए और इसी गम में बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे और सिगरेट भी पीने लगे। जब लोग उनको रोकते थे और टोकते थे तो कहते थे, अरे भाई मैं बीमार होने वाला नहीं हूँ, बीमारियाँ मुझसे बहुत डरती हैं। लेकिन शायद खुद उनको अपनी नज़र लग गई, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और 1977 में उन्हें 3 बार हार्ट अटैक आया, फिर भी उन्होंने सिगरेट पीना नहीं छोड़ा और नतीजा ये निकला कि उन्हें गले का कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर, और वो बिल्कुल टूट गए। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सुझे ना कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल। रहमान साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि जब ऊपर वाले का बुलावा आता है तो सबको जाना पड़ता है। रहमान साहब भी ये दुनिया छोड़ के चले गए। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।